ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि के सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि का द्रव्य में आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। उनके लिए यह अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। और वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुतियाँ संपत्ति प्रदान करने वाली होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती हैं, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौलिक यज्ञ में प्रतिष्ठित जो चूर्णकर्णन आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। दूजों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों के जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होगा, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों को उपकार के लिए वारों की कल्पना की और वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला होता है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की रचना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोकिष्टा परमेश्वरी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय से दूर कराने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त सातों वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन में स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के
और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बनाए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं का भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा के 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, तप करना चौथा। किसी वेदी पर, प्रतिमा पर, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा का उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुछ कुष्ठ रोग के शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्निक ब्राह्मण को घृतपक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोग की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त भोजन दें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव, श्रद्धा और लोकों के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि का फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्योष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को साथ ही दिन में अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजा करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि का कष्ट सहन आदि द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों के नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए
मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धन का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों की परिक्रमा से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। दीजो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञ का फल भी प्राप्त होता है।